हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ रमज़ान स्पेशल शाही टुकड़ा की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और आसान सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बिना झंझट के झटपट 5 मिनट में बन के रेडी हो जाता है। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, बिल्कुल नई और छोटी सी रेसिपी है। एक दफ़ा आप ज़रूर ट्राई करना, आपके घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा तो इसे लाइक एंड शेयर, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देर न करते हुए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 7 पीस ब्रेड के स्लाइस ले लिए हैं। यहाँ पे मैंने वाइट वाला ब्रेड लिया है, आपके पास ब्राउन ब्रेड रहे तो उसे भी आप बना सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, ब्रेड के साइड वाले पार्ट्स को काट के अलग कर देना है। आप चाहो तो साइड वाले पार्ट्स के साथ भी बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं अलग कर दूँगी। अब इससे इस तरह कट कर देना है। तो देखिए, इस तरह मैंने कट कर लिया है। अब इसे साइड रखेंगे और एक और मैं आपको कट करके दिखा दूँगी। देखिए, इसी तरह साइड के पार्ट्स को अलग कर देना है और साइड वाले पार्ट्स को आप रख देना, ब्रेड क्रम बनाने में काम आ जाएगा। इस तरह बीच से कट कर देना है। तो देखिए, इसी तरह सारे ब्रेड को मैंने कट कर लिया है। अब इसे रखेंगे साइड में। यहाँ पे गैस पे मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दिया है, इसमें एक कप चीनी डालेंगे और जिस कप से नाप के चीनी आप डालिएगा उसी से एक कप पानी। यहाँ पे मेजरमेंट के लिए आप कप या कटोरी सेट कर लेना और यहाँ पे 2 पिंच ऑरेंज फूड कलर डालेंगे। कलर ऑप्शनल है दोस्तों, अगर आपको पसंद ना हो तो मत डालना, वरना डालने से देखने में हमारा शाही टुकड़ा बहुत ही अच्छा लगता है। अब यहाँ पे 2 छोटी इलायची को तोड़ के इसमें डाल देना अच्छे फ्लेवर के लिए। अगर आपके पास इलायची पाउडर हो तो पाउडर भी डाल सकते हो। यहाँ पे इसकी चाशनी तैयार करना है दोस्तों, चिपचिपी वाली, एक तार वाली मत करना। और यहाँ पे 1-2 मिनट बॉयल आ गया है। देखिए, अब यहाँ पे हाथ पे रख के अच्छे से देख रहे हैं। देखिए, इस तरह की चिपचिपी रहनी चाहिए। देखिए, तार नहीं बन रहा है, चिपचिपा है। इसी तरह की चाशनी रहनी चाहिए। अब यहाँ पे 1/2 चम्मच नींबू का रस डाल देना। नींबू का रस डालने से ठंडा होने के बाद इसमें क्रिस्टल नहीं जमेगा। तो हमारी चाशनी रेडी हो गई। अब करेंगे गैस पर। यहाँ पे गैस पे एक पैन चढ़ाएंगे और इसमें घी डालेंगे। यहाँ पे मैं घी में बना रही हूँ, इसको फ्राई कर रही हूँ। आप चाहो तो ऑयल में भी कर सकते हो, रिफाइंड ऑयल कड़वा तेल में मत करना। यहाँ पे चेक कर लेना, देखिए घी गर्म हो चुका है। अब ब्रेड के स्लाइस को इसके अंदर डालेंगे जिसे कट करके मैंने रखा था। जितना एक दफ़ा है आप पैन में डाल देना। अब मीडियम आँच पर इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो इसी तरह उलट पलट करते हुए सारे स्लाइस को आप फ्राई कर लीजिएगा। देखिए, जगह बना, इसमें डाल देंगे। इसी तरह सारे ब्रेड के स्लाइस को फ्राई कर लेंगे। दोस्तों, आपको जब भी मीठा खाने का मन करे या बच्चों को छोटी मोटी भूख लगे या घर पे पार्टी रहे तो आप इसे 5 मिनट में बना के सबके साथ एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसके साथ मैंने रबड़ी उसके ऊपर डाल के सर्व किया था, तो रबड़ी की रेसिपी मैंने अपलोड कर दिया है, उसका लिंक मैं मेंशन कर दूंगी। रबड़ी की बहुत ही आसान सी रेसिपी है, वो आप ट्राई कर सकते हो और इसके ऊपर डाल के अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो या गेस्ट हैं उनके साथ भी सर्व कर सकते हो। तो इसी तरह उलट पुलट करते हुए सारे ब्रेड के स्लाइस फ्राई हो चुके हैं दोस्तों, आप देख सकते हो। अब क्या करना, चाशनी जो बना के रखा था सारे स्लाइस को इसके अंदर डाल देना। उलट पुलट करके डाल के इसको ज़्यादा देर नहीं, 2 मिनट के लिए छोड़ देना है दोस्तों, 2 मिनट के लिए, कि उसके अंदर रस पी ले, पूरा जूसी बन के तैयार होता है, ऊपर नीचे क्रिस्पी और अंदर जूसी बनता है ये शाही टुकड़ा। तो देखिए, इसी तरह सारे स्लाइस को मैंने चाशनी में डाल दिया है। अब 2 मिनट के लिए इसको इसी चाशनी में छोड़ देंगे रेस्ट करने के लिए। तो देखिए, 2 मिनट हो चुका है। अब क्या करना, अब इससे निकालना है, चाशनी से निकाल के इसको प्लेट पे सर्व करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की शाही टुकड़ा की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ज़रा सा भी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादातर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, सारे शाही टुकड़ा को प्लेट पर निकाल लिया है। अब इसके ऊपर टेस्टी सा रबड़ी रखेंगे। आप चाहो तो प्लेन भी शाही टुकड़ा बना के खा सकते हो, लेकिन उसके ऊपर रबड़ी देके खाने से इसका टेस्ट 4 गुना बढ़ जाता है। रबड़ी की रेसिपी ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल पे, उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगी, आप ज़रूर देखना। बहुत ही आसान तरीके से ढेर सारा रबड़ी बन के तैयार हो जाता है। तो देखिए, इसी तरह आप इसके ऊपर शाही टुकड़ा के ऊपर रबड़ी डाल देना और इसे कट करने ही से आपको पता चल रहा होगा कितना सॉफ्ट और जूसी बन के तैयार होता है। तो आप देख सकते हो, बिना झंझट के झटपट सिर्फ 5 मिनट में टेस्टी सा शाही टुकड़ा बनके रेडी हो चुका है।